पब्लिक न्यूज़ 24 की टीम आज MGM कॉलेज में आई हुई है। आज यहाँ पे एक इवेंट का ऑर्गेनाइज किया गया है। आज यहाँ एक इवेंट रखा गया है लाइफ चेंजिंग, जिसमें डॉक्टर सोनल पुरोहित जो एक सेलिब्रिटी कोच हैं, जो आई हुई हैं बच्चों को बताने के लिए कि उनको लाइफ में क्या चीज़ खाना चाहिए, जंक फूड किस प्रकार उनके सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है, और अपने लाइफ में जो एंजाइटी होती है या इमोशनल मैनेजमेंट या हेल्थ मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, आज हम उनसे जानेंगे अपनी द पब्लिक न्यूज़ 24 के माध्यम से। सोनल जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सेलिब्रिटी कोच का सफ़र और जो आज के यूथ है उसके बीच में आपको क्या कड़ियाँ नज़र आती है, क्या प्रॉब्लम आपको नज़र आ रहा है? दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं और मैं हर जगह यही बोलती हूँ। सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि लोग आजकल बहुत आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। अब आर्टिफिशियल जो सब्सटेंस है दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू आवर बॉडी। बॉडी इज़ मेड फॉर नेचुरल प्रोडक्ट्स, सो एनी गुड फूड विच इज़ मेड फ्रॉम सॉइल हैज़ गॉट गुड एंजाइम्स, और हमारे उसको माइक्रोब्स जो है हमारे बॉडी में जो गुड एंजाइम्स है उसको ऑल मल्टीप्लाई करके इट गिव्स ऑल यू कैन से कंपाउंड इम्पैक्ट। तो लोगों को आजकल क्या है कि विश्वास जो है वो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा हो गया है, बिकॉज नंबर वन इट्स अ शॉर्टकट, नंबर टू इट्स ईजीली अवेलेबल, नंबर थ्री उसमें कोई मेहनत नहीं है और उनको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि ये सारे प्रोडक्ट्स जो है हमारे बॉडी के लिए दैट इज़ नॉट सूटेबल, बिकॉज इट गिव्स ऑल कैंसरस प्रॉपर्टी, कैंसर सेल्स ऑलरेडी है, और आप इस सब जो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट से जो आप अपने बॉडी को फीड कर रहे हैं तो कैंसर सेल गेट्स मल्टीप्लाई। तो जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, क्रीम आ रहे हैं या फिर डाइट, जितना हम बॉडी शेपिंग के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वो बॉडी को कितना इफेक्ट करते हैं? बॉडी इज़ नॉट मेंट फॉर दीज थिंग्स, सो इम्पैक्ट तो आपके छोटे से छोटी चीज़ों में आपका आता है। हर सेल जो है वो बुरी तरीके से इम्पैक्ट करता है। तो अगर आप जैसे कैंसरस प्रोडक्ट्स जो है, जितने भी आजकल प्रोडक्ट्स हैं दे आर कैंसरस। प्लास्टिक अगर हीट से कम्बाइन किया दैट इज़ कैंसरस। तो अगर हम जो स्विगी से खाना ऑर्डर कर रहे हैं तो वो वट इज़ हैपनिंग, द फूड इज़ कमिंग ऑलरेडी, उसमें सॉल्ट है ऑलरेडी, उसमें शुगर है ऑलरेडी, दी इट हैज़ बीन मेड वेरी टेस्टियर, बट वेन यू आर मिक्सिंग द फूड विद द प्लास्टिक द कंपाउंड इंक्रीजेज एंड इट बिकम्स मोर कैंसरस। सो सिमिलरली एनी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स विच यू आर यूजिंग, कैंसर तो ठीक है ये एक एस्पेक्ट है, उसको छोड़ के भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। जैसे बहुत लोग जो है वो हाई प्रोटीन पाउडर्स में रहते हैं। नाउ यहाँ पे मैं किसी प्रोडक्ट को डिफेम नहीं कर रही हूँ, किसी ब्रांड को डिफेम नहीं कर रही हूँ, बट ये प्रोडक्ट्स वॉट एवर दे आर टेकिंग इट अप समवे ऑर दी अदर दे आर अफेक्टिंग आर्टिफिशियली समवे ऑर दी अदर, उसका इम्पैक्ट तो होने वाला ही है क्योंकि उसके एक शेल्फ लाइफ है। शेल्फ लाइफ के आगे तो कुछ उसका है नहीं, तो इम्पैक्ट आपके कोलोन में होगा, इम्पैक्ट आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स में होगा, इम्पैक्ट आपके इंटायर ओवरऑल वेलबींग में होगा। और सेलिब्रिटी का रहा बात, सबसे बड़ी बात है एक तो वो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स पे थोड़ा ज़्यादा उनको फेथ है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि दिस इंडस्ट्री ऑफ योर आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स पिल्स पाउडर इज़ ग्रोइंग मल्टीप्लाइंग लाइक एनीथिंग बिकॉज दैट्स अ प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री। So the perception of people is formed by seeing so many videos and reels that this is real. Who is promoting organic? You tell me. अगर आप रेशियो लगाते हो तो ऑर्गेनिक को कौन प्रमोट करता है? मेरा इसी से तो आम पब्लिक जो है, आम पब्लिक वो जानना चाहती है। जैसे आप सेलिब्रिटी कोच भी हैं और आज के जो यूथ है, रोल मॉडल हमारे सेलिब्रिटी भी हैं जो इंडोर्स करते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट को, जैसे स्विगी 2 मिनट में आप करो, मैगी 2 मिनट में खाना बन जाएगा या भूख मिट जाएगा इंस्टेंट। तो आप जैसे सेलिब्रिटी कोच जानना चाहती कि सेलिब्रिटी क्या इस चीज़ों को यूज़ करते हैं या आप उन्हें क्या एडवाइस करती हैं ताकि आज जो यंग इतने एज होने के बाद भी सेलिब्रिटी वो क्या करते हैं, आज ये पब्लिक जानना चाहती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल लिविंग समझ लिया वो समझ लिया। अब यहाँ पे बहुत सारे हमारे बॉलीवुड में एक्टर्स हैं, मैं किसी का यहाँ नाम नहीं लेना चाहती हूँ, पर देर आर पीपल हु आर वेरी डिसिप्लिन्ड। वो सवेरे 4 बजे उठ जाते हैं, शाम को 6 बजे उनकी शूट्स फिनिश हो जाती है, वो घर जाते हैं, उनका घर का ही टिफिन आता है। बट देर आर पीपल वो जो है उनके शूट्स टाइम भी गंदे हैं,
उनका शूट टाइम बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, तो वो सोचते हैं कि हमको एक ईजी और क्विक फूड चाहिए. तो उसमें इंसान के परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है. बट ये सम पीपल लाइक मॉडल्स हु कम टू अस और उनको लगता है कि मुझे क्विक रिजल्ट चाहिए क्योंकि मेरा ये वेब सीरीज़ आने वाला है, तो उनको हम लोग ये समझाने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो हैव अ सेल्फ रिलेशनशिप. वो एंग्जाइटी में उनकी ज़्यादा रहती है. तो मैं ये दो एस्पेक्ट पर बहुत बोलती हूँ. एक तो फूड का एस्पेक्ट है, फूड में उनको आर्टिफिशियल फूड हो गया या क्विक फूड हो गया वो चीज़ के लिए वो खोजते हैं. दूसरी चीज़ है कि उनमें एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा है. उनका जो एक सेल्फ रिलेशनशिप है, सेल्फ हैप्पीनेस है, वो क्वेश्चन ही एकदम मिसिंग है. क्योंकि एक तो कंपटीशन है, they are into a competitive world. Secondly, you know, somewhere or the other they are being pressurized and staying alone. So many people leave the city and they come and settle here. They stay alone. There's so many rippling effect is there. So that affects the psychology very badly. So ye do impact ko, you know, lifestyle ke daur pe le jana, it's very challenge. Ye easy nahi hai. मतलब मैं तो एक इंडस्ट्री से एक हट के काम कर रही हूँ. लोग यहाँ पर जो है वो इंडस्ट्री में रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं. मुझे लोगों के माइंडसेट को गो सिंपल गो लोकल ये क्रिएट करने में ही बहुत टाइम लग जाता है. बट आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट चैलेंज बिकॉज ऑफ दैट आई एम हियर. सबसे पहले मैंने आपके जो सेशन देखे हैं उसमें आप दो फर्स्ट सेशन में आप दो फोटोग्राफ्स आप शो करते हो. एक में प्रीवियस लाइफ पास्ट लाइफ का जिसमें आपका अच्छा खासा वेट है आपका, उसके बाद वेट लूज करने का. और आज की यंग जो जितनी भी महिलाएं हैं जो लड़कियां हैं वो अपने आप को हेल्दी बनाना या फिट रखने के लिए बहुत एक्सरसाइज भी करती हैं और चाहती भी कि क्या कर सकते हैं कि अपना बॉडी फिट कर सके. तो आपके इसमें क्या टेक्निक है उसके पीछे जो आप इतना वेट होने के बाद आपने अपने वो वेट को पुट ऑन किया, आपने फिर वेट लॉस किया, तो उसके बीच का कॉन्सेप्ट क्या है जो आम पब्लिक के लिए हेल्पफुल हो? सबसे पहली बात है कि मैंने मेरे किचन पे बहुत भरोसा किया. दूसरी बात है मैंने कुकिंग सीखा जो मुझे आती नहीं थी, क्योंकि बहुत सारा खाना मुझे खुद को डेवलप करना है, बनाना है. मैं अपने शेफ़ को या कुक को मैं वो नहीं कर सकते, वो इतना इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, ये सिंपल मैं बता रही हूँ. थर्ड थिंग है मैंने कंसिस्टेंसी रखी. मतलब मुझे विश्वास था कि ये जो भी चीज़ जो मैं नेचुरल तरीके से कर रही हूँ उसके रिजल्ट्स लेट है पर उसके रिजल्ट्स कंसिस्टेंट है. तो ये तीनों चीज़ों को लेकर के जब मुझे रिजल्ट्स दिखने लग गया तो मैं और मोटिवेटेड हो गई और इसको मैंने अपना लाइफस्टाइल बना लिया. लेकिन हर कुछ काम करने के एक रीज़न होता है, तो आपका वेट लॉस करने के पीछे का रीज़न क्या था? या आपको खुद से लगा या जो आज हमारा समाज है जो देख के बोलता है कि आप बहुत फैटी हो या आप अच्छे नहीं लग रहे हो, तो आपके बीच का क्या था? थी मेरे बीच का एक बहुत बड़ा रीज़न है और वो रीज़न ये था कि मैं जस्ट मदर बनी थी. तो जब मैं मेरा बेटा तो अब तो खैर 8 साल के ऊपर का हो गया है और ये जर्नी तो मैंने 5-6 साल पहले से शुरू की है. तो वो जब वो 1-1.5 साल का हुआ तो मुझे उसको लिफ्ट करने में बड़ा दिक्कत जाता था. और होता है ना जब वो टॉडलर्स होते हैं तो उनको एज अ मदर आपको लिफ्ट करना रहता है, कंटिन्यूसली उसके पीछे भागना पड़ता है. तो आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग ऑन माई सेल्फ कि यार मैं अभी अपने बच्चे को नहीं संभाल पा रही हूँ, आगे क्या होने वाला है. तो ये सवाल मेरे मन में बहुत ज़्यादा पता नहीं एक गहराई सी आ गई थी उस सवाल में. और साथ में मैं यूथ को बहुत डील करती थी क्योंकि मैं शुरू में तो टीचिंग में थी. तो मैं बोलती थी मैं यूथ को क्या इम्पार्ट करूँगी नॉलेज, क्योंकि पीछे से कोई ना कोई तो ऐसे एक तो टोचन तो मारी देता है कि अरे मैडम तो थोड़ी ऐसी है. तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन हुआ. बट ये रोल सबसे बड़ा मेरे बेटे का है बिकॉज व्हेन आई यूज़ टू सी हिम आई यूज़ टू फील कि यार मैं उसको उठा करके थक जा रही हूँ, मुझे उसको नीचे रखना पड़ रहा है या नैनी को संभालने देना पड़ रहा है या मेड को बोलना पड़ रहा है, वाई आई एम नॉट एबल टू हैंडल इट. तो मैं अपने आप में ये क्वेश्चन करने लग गई और मैं बोली कि मुझे मेरा बेटा अगर बैड फूडिंग हैबिट्स देखेगा तो वो वही सीखने वाला है. एंड ही इज़ अ यूथ ऑफ द नेशन. सबसे पहली बात है हम लोग बोलते हैं ये मेरा बेटा है, मेरा घर का संतान है, पर ये हम भूल जाते हैं कि वो एक देश का लड़का है, वो देश का संतान है, उसको आगे जा कर के वो भी एक रोल मॉडल बन सकता है. तो मैं ये सारे थॉट्स जो है ना एक अंदर में एक युद्ध सी होने लग गई. फिर मैंने बोला नहीं मुझे कुछ अच्छी स्टडीज़ करनी है ताकि मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करूँ. तब तक तो मैं इस प्रोफेशन में आई नहीं थी और धीरे धीरे करके मैंने अपने ऊपर काफ़ी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया और रिजल्ट्स तो सबके आगे अब है. आपने क्या खाना छोड़ा और क्या खाना शुरू कर दिया आपने इसके लिए? मैंने तो अपने सेशन में भी एक ही चीज़ बोली है. मैंने तीन चीज़ बहुत मैंने अवॉइड किया. वो है अपना एक तो शुगर जिसको मैं जहर बोलती हूँ. शुगर मल्टीप्लाइज ऑल कैंसरस सेल.
और सबसे बड़ी बात है कि शुगर इज़ लाइक अ ड्रग, तो मुझे लगा कि शुगर की कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू ही नहीं है और जितना आप कंज्यूम करोगे तो उतना आपका फैट पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये चीज़ मैंने छोड़ी। सबसे बड़ी बात है मैं एक्सरसाइज से बड़ा कतराती थी और मैंने K11 अपने आप को जिम ट्रेनर बनाया, मैंने खुद के लिए ट्रेन किया कि नहीं मुझे एक्सरसाइज करना है, साइंटिफिक एक्सरसाइजेस मुझे आनी चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात है ना कि मैंने थोड़े बहुत जो अभी मैंने आपको पहले भी बताया, मैं थोड़े बहुत अपने खाना बनाने के प्रोसेस में लग गई कि मुझे अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। और चौथी बड़ी बात है, पता है जब आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट होते हो, जब आपको पब्लिक से टॉन्ट्स मिलती है, जब आप अपने हेल्थ में ही परेशान हो जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप खुद में खो जाते हो, आप अपने आप से वो रिलेशन नहीं डेवलप कर पाते हो। तो आई स्टार्टेड सॉर्टिंग आउट माई सेल्फ एंड आई स्टार्टेड डेवलपिंग माई ओन यू नो इंडिविजुअलिटी कि नहीं दिस इज़ वॉट आई एम, आई हैव टू एक्सेप्ट माई सेल्फ फर्स्ट। तो एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी बात होती है, हम लोग रिजेक्शंस के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं, तो मैं रिजेक्शन के पीछे ज़्यादा भागती थी, फिर मैंने एक्सेप्ट किया कि दिस इज़ अ ट्रूथ, आई शुड एक्सेप्ट इट आउट। व्हेन आई एक्सेप्टेड इट आउट आई मेड अ सेल्फ रिलेशनशिप विद माई सेल्फ एंड दैट गिव मी अ 180 डिग्री चेंज ऑन माई लाइफ स्टाइल। आज के यूथ का जो क्वेश्चन है जो आपके पास भी बहुत बार फेस करना पड़ेगा आपको, कि करना सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि मेरा बॉडी शेप अच्छे से आ जाए, सभी चाहते हैं मैं हेल्दी रहूं, लॉन्ग लाइफ हूं, या एज बढ़ने के बाद भी मेरा एज कम लगे, हर किसी की इच्छा होती है, लेकिन सबके पास प्रॉब्लम होता है टाइम नहीं है। तो इसके लिए आपका क्या आंसर है? टाइम नहीं है इज अ सिंपलेस्ट थिंग, इज अ आपने भी इस क्वेश्चन को बहुत बार चैलेंज किया होगा, सुना होगा, चैलेंज किया है, बहुत बार सुना है। और मैं ये बोलती हूँ कि हमें टाइम मैनेज करने आना चाहिए। अभी आई हैव अ वेरी ट्रैवलिंग लाइफ बट स्टिल यू नो माई वर्कआउट इज़ माई प्रायोरिटी, तो मैं वर्कआउट के बिना मैं कोई फ्लाइट बोर्ड नहीं करूँगी, मैं वर्कआउट के बिना मैं कहीं जाऊँगी नहीं, बट आई हैव टू मैनेज माई टाइम। टाइम मैनेजमेंट के साथ मुझे फैमिली भी मैनेज करना है, मुझे हैव टू मैनेज माई किड ऑल्सो, आई हैव टू मैनेज माई प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो। तो ये तो एक आर्ट आपको डेवलप करनी होगी, नहीं तो यू नो वी आर लॉस्ट, वी आर इनटू अ प्योरली इनटू मिस्ट ऑफ समथिंग कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ में हम लोग आ गए हैं। तो ये सॉर्ट आउट करना पड़ता है, आपको प्रायोरिटाइज करनी पड़ती है कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यू नीड टू फिल्टर इट आउट, दैट फिल्टरेशन इज़ रिक्वायर्ड। तो ये चीज़ मैं बहुत, ये तो प्रैक्टिस से भी आती है और कहीं कहीं आपको अपने आप को एक यू नो मेंटली भी आपको कंडीशन करना पड़ता, नहीं यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों जैसा कि देखा कि हमने सोनाली जी से बहुत ऐसे यूनिक क्वेश्चन पूछे हैं जो आम पब्लिक जानना चाहती है, और जैसा कि आप जानते हैं कि जो मैम है सेलिब्रिटी कोच हैं, जो सेलिब्रिटी को ट्रेंड करना और कैसे अपनी बॉडी को आप एनर्जेटिक रख सकते हो, कैसे आप जो एंजाइटी है आपका उसको दूर कर सकते हो, ये सारे सवालों का हमने जवाब दिया है। इसी तरह का सेशन हम कंटिन्यू करते रहेंगे, तो बने रहिए द पब्लिक न्यूज़ 24 के साथ। जय हिंद।